आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर देवेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस हेल्थ से जुड़े चैनल में। दोस्तों, आज आपको जिस विषय में मैं जानकारी दूंगा उसका नाम है तिल, क्योंकि देखो तिल का सेवन सभी लोग करते हैं, घरों के अंदर होता है, कोई बालों में लगाने के लिए करता है, कोई खाने के लिए, कोई मेडिसिनल यूज के लिए उसका करता है उपयोग। तो कोई ना कोई किसी न किसी रूप में तिल का सेवन या तिल का उपयोग किसी भी रूप में इंटरनली एक्सटर्नली करता ही है। तो सभी व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि तिल क्या काम करता है, क्या उसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, किसको तिल उपयोग करना चाहिए, किसको तिल नहीं उपयोग। छोटा होता है, 2.5 से 3 फीट के करीब का इतना उसका पौधा रहता है। और तिल जो होता है सफेद तिल, उसका हम सबसे ज़्यादा उपयोग तेल निकालने में करते हैं, जो हम घरों में भी उपयोग करते हैं और जो घरेलू उपयोग के लिए यूज़ किया जाता है वह सफ़ेद तिल होता है। अब बात करते हैं रेड कलर के तिल की, तो रेड कलर का जो तिल होता है वह अदर यूजेज में लिया जाता है मेनली, और जैसे पशुओं वगैरह में या और अलग यूजेज में, मेडिसिनल उसका यूज बहुत कम है और उसको राम तिल के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं काले तिल के बारे में, तो काले जो तिल होते हैं वह गुणों में बहुत ज़्यादा भरपूर होते हैं और सबसे ज़्यादा जो औषधियों में उपयोग किया जाता है आयुर्वेद में वह काले तिलों का ही किया जाता है, और काले तिल थोड़े कड़वे भी रहते हैं टेस्ट के अंदर, तो ये चीज़ रहती है। तो अब बात करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं तिल के अंदर। तो दोस्तों, तिल के अंदर फैट भी होता है और प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। विटामिन्स में उसके अंदर A, B, C, ये 3 विटामिन्स पाए जाते हैं, और मिनरल्स के अंदर उसमें कैल्शियम एंड फॉस्फोरस काफ़ी अमाउंट में पाया जाता है। अब बात करते हैं आयुर्वेद क्या कहता है तिल के बारे में और क्या क्या उसके गुण हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ है और क्या फ़ायदे हैं। तो उसके अंदर आयुर्वेद ने तिल को गुरु और स्निग्ध बताया है। गुरु मीन्स पचने में हैवी और स्निग्ध उसके अंदर चिकनाई होती है, तो ये चीज़ें बताई है। अब उसका जो रस आयुर्वेद में बताया गया है, रस मधुर रस होता है उसका, और तिक्त कषाय, कषाय तिक्त, ये दो रस भी अनुरस होते हैं उसके अंदर और स्वीट इन टेस्ट रहता है। मुख्य तौर पे सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो टेस्ट होता है उसका वो मीठा ही होता है, और जो उसका विपाक होता है डाइजेशन होने के बाद वो स्वीट इन नेचर रहता है। और दूसरा, उसकी जो पोटेंसी होती है, वीर्य जो होता है वह हॉट इन नेचर रहता है, मतलब शरीर के अंदर जब ब्लड स्ट्रीम में वह जाता है पचने के बाद तो वह गर्मी लाता है शरीर के अंदर, उत्तेजना लाता है, ये चीज़ें रहती है। कि वह क्या क्या दोष कर्म करता है और क्या चीज़ें रहती है, तो आयुर्वेद के अनुसार जो तिल है वह वात को, पित्त को और कफ को, इन तीनों पे क्या क्या असर करता है वह जानिए। यह वात को शमन करने वाला है और कफ को और पित्त को बढ़ाने वाला है तिल का तेल। दोस्तों, जिन भी व्यक्ति को कफ और पित्त की बीमारियां हैं उनको तिल का उपयोग नहीं करना चाहिए, जिनको वातज बीमारी है उनके लिए तिल काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। उसके बारे में अभी डिटेल में हम आगे बात करेंगे, नेक्स्ट जब आगे चलते हैं तो वहाँ बात करेंगे। अब बात करते हैं तिल क्या क्या काम करता है लोकल एप्लीकेशन पे। लोकल एप्लीकेशन पे जो तिल होता है वह स्नेहन का काम करता है, हमारी जो स्किन है जैसे ड्राइनेस रहती है तो उसको स्निग्ध करने का काम करता है। साथ ही किसी को अगर पेन है, मस्कुलर पेन है या चोट लगी हुई है तो उसको भी ठीक करने का काम करता है, तो वह वेदना को भी कम करता है शरीर के अंदर। साथ ही किसी को अगर चोट लग गई या चोट लगने के कारण फ्रैक्चर बंधा हुआ है, उसके बाद फ्रैक्चर प्लास्टर जो होता है, प्लास्टर बंधा हुआ, प्लास्टर जब हट जाता है तो उसके बाद भी थोड़ी सी सूजन या दर्द रहता है पेशेंट को, तो वो पेशेंट तिल के तेल की मालिश कर सकते हैं। वह वर्ण को, गुंड को हील करने का भी काम करता है, इंटरनल इंजरी को भी जल्दी रिपेयर करता है और फ्रैक्चर को भी हील करने का अच्छे से काम करता है। अब बात करते हैं आगे, वह जो चोट लग जाती है किसी भी व्यक्ति को, वुंड बना हुआ होता है या ओपन वुंड हो, किसी भी टाइप का वुंड हो, तो उसमें हम तिल के तेल का उपयोग कर सकते हैं बेझिझक। जिस तरीके से हम बीटाडीन का यूज करते हैं, बीटाडीन से कई गुना ज़्यादा तिल का तेल इफेक्टिव है और वह फायदा करता है। उसके अंदर हम तिल के तेल की पट्टी कर सकते हैं बिल्कुल, उससे कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं रहते, लेकिन जो इंटरनल मेडिसिन है वो जरूर खाते रहें साथ में। अब किसी को जैसे खरोच लग जाती है या खेत में जो फील्ड में काम करने वाले हैं उनको चोट लग जाती है, तो वो तिल का तेल लगा सकते हैं उसके ऊपर। तिल के तेल के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज भी होती है और व्रण के जो वुंड है उसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस को भी कम करता है। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे, डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या काम करता है। तो यह जो तिल होता है हमारे पाचन तंत्र के अंदर दीपन का काम करता है, मतलब हमारी पाचक अग्नि को प्रदीप्त करता है। साथ ही ग्राही, जिन व्यक्तियों का पेट में खाना हजम नहीं होता, बार बार मोशन जाते हैं ग्रहणी रोग में,
तो वो व्यक्ति इसका सेवन कर सकते हैं। तो यह मल को बांधने का भी काम करता है। साथ ही एक सबसे बड़ा उपयोग मैं आपको बता दूं, जिन व्यक्तियों के दांत थोड़े थोड़े हिलते हैं या उनको ठंडा गर्म पानी लगता है तो वो थोड़ा सा तिल ले ले। अगर दांतों के अंदर कीड़ा नहीं लगा हुआ है या होलो मार्क नहीं है तो वो ले सकते हैं, क्योंकि कई बार दांतों में फंस जाता है। तो वो तिल के तेल को अगर तिलों को अगर चबा के खाते हैं तो उससे उनके दांत मजबूत होंगे, ठंडा पानी गर्म पानी लगना भी कम होगा, साथ ही जो दांतों की जो जड़ें हैं वो भी उनकी मजबूत होगी। अब बात करते हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पे क्या काम करता है। तो दोस्तों यह सर्कुलेटरी सिस्टम पे कषाय रस होने के कारण इसके अंदर जिन व्यक्तियों को ब्लड ज़्यादा रिलीज होता है, जैसे कई डिजीज होती है उनके अंदर नक्सी फूटना शुरू हो जाती है, या महिलाओं में किसी किसी को सातल पे या पिंडलियों पे बारीक बारीक रेड रेड नसें दिखना शुरू हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो हेमरेजिक कंडीशंस होती हैं तो उसमें तिल का तेल उनके लिए काफ़ी फायदेमंद और सूटेबल होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बात करते हैं अब क्या काम करता है। तो जो हमारा तिल, जो अस्थमा के पेशेंट है जिनको कफ ज़्यादा बना हुआ है उसमें, तो वो उसका सेवन ना करें, उनके लिए वह नुकसानदायक होगा, तिल का तेल या तिल से बनी हुई चीज़ें ना खाएं। अब बात करते हैं किनको रेस्पिरेटरी अगर प्रॉब्लम है उनको तिल खाना चाहिए, तो वो कौन सी प्रॉब्लम है। जिस व्यक्ति को फेफड़ों में यहाँ पे सूखापन सा महसूस होता हो, या ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, या नाक के अंदर ड्राइनेस है, तो तिल का तेल डाल भी सकते हैं या अपने भोजन में इस तरीके से खा भी सकते हैं किसी भी रूप में। अब बात करते हैं मूत्र व संस्थान यूरिनरी सिस्टम पे क्या काम करता है तिल का प्रयोग। तो दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा, तिल का जो लड्डू होते हैं या तिल की जो बनी हुई हम लोग खाते हैं उसके अंदर शक्कर वगैरह मिला के, तिलकुटनी एक व्रत होता है तो उसके अंदर घरों में बनता है अक्सर, तो उसका उपयोग भी कर सकते हैं उस तरीके से, या तिल के लड्डू भी बना के खा सकते हैं। तो बच्चों में एक बीमारी होती है बहुमूत्र रोग, तो वो रात को बिस्तर में पेशाब करते हैं अक्सर, तो उनको काले तिल कूट के उनके लड्डू बना के अगर हम देंगे तो वह उसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है तिल के बने हुए लड्डू, क्योंकि यह जिनको बार बार यूरिन जा रहा है, शरीर में वीकनेस है, कमजोरी है, तो वो उसको हील करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, तो उसको दे सकते हैं हम। अब बात करते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे क्या काम करता है। जो तिल जो होता है वह एफ्रोडेसिक है, तो वह हमारे शरीर में सेक्सुअल पावर को बढ़ाता है और जो ऑर्गन्स है उनको भी मजबूत करने में मदद करता है हमारे। और कई महिलाएं होती हैं जिनको मेंसेस अच्छे से नहीं आते हैं या पेनफुल आते हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्केंटी ब्लीडिंग होती है उनको, तो उस कंडीशन में भी महिलाएं तिल का सेवन कर सकती हैं। लेकिन वे महिलाएं तिल का उपयोग ना करें जिनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, मतलब 4 से या 5 से भी ज़्यादा दिन अगर उनकी डेट आती है तो वो तिल का उपयोग ना करें। वही महिलाएं कर सकती है जिनको मेंसेस 1 दिन या 2 दिन रहते हैं या फिर ब्लीडिंग प्रॉपर वे में नहीं होती, तो वो उसका उपयोग करेंगी तो उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा और पेन भी कम होगा पीरियड्स के दौरान, ये चीज़ रहेगी। और साथ ही एक और उपयोग है, वह स्निग्ध होता है, तो वह स्निग्ध होने के कारण हमारे शरीर में जो महिलाएं होती हैं तो महिलाओं के अंदर जिनको कम दूध आता है या कम दूध उतरता है तो वह भी इसका उपयोग कर सकती हैं। तो यह स्तन्य जनन का भी काम करता है, मतलब दूध को बढ़ाने वाले द्रव्यों के अंदर तिल माना गया है, तो जो महिलाएं होती हैं जो स्तनपान कराती हैं वह तिल का उपयोग कर सकती हैं। और बालों की प्रॉब्लम में भी तिल का उपयोग किया जाता है, यह वर्ण्य होता है, केश होता है, मतलब बालों को भी सफ़ेद होने से रोकता है, साथ ही उनकी ग्रोथ को भी बढ़ाता है और स्किन पे लोकल एप्लीकेशन करने में भी काफ़ी ज़्यादा फायदा देता है। जैसे सर्दियों का मौसम है अभी, तो उसमें ड्राइनेस को कम करता है और जो क्रैकिंग होती है या जिनके होंठ फटते हैं वो तिल खा भी सकते हैं या तिल का तेल इन पे लगा भी सकते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो यहीं पे अब हम समाप्त करने वाले हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको जानना हो या कुछ मुझसे छूट गया हो इस वीडियो में, या जो आप जानना चाहते हो इसके बारे में, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि उस पर आपकी क्वेरी को रिजोल्व किया जाएगा। और आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, शंका हो या किसी भी बीमारी से संबंधित आपको जानना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यह चैनल आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपका स्वस्थ रहे शरीर, यही हमारी कामना है। तो वीडियो के इसी समाप्त करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।